पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन उत्तर प्रदेश सुरेश चंद्रा ने सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कुछ दिन पहले मुरादाबाद आए मंत्री समूह के कार्यों की स्थिति की जानकारी ली गई। कई कार्यों में कुछ विभागों का काम पिछड़ा मिला तो उन्हें फटकार भी लगाई। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह मुरादाबाद के प्रभारी मंत्री हैं और उन्होंने पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के साथ 2 दिवसीय दौरे में सरकार की योजनाओं की स्थिति पर निरीक्षण किया था। इसके बाद एक रिपोर्ट बनाकर सौंपी गई थी। उसी आधार पर अब शासन ने नोडल अधिकारी सुरेश चंद्रा को कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भेजा है। इसके साथ ही उन्होंने विकास कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हमसे पहले मंत्रीगणों के समूह का निरीक्षण किया गया। इसमें जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने जो समस्याएं रखी थी उसका कैसे निस्तारण होगा, इसके लिए हमने जिलाधिकारी के साथ बिंदुवार चर्चा की, जिसमें पूरे जनपद भर के जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद थे। जो भी स्थानीय स्तर पर होना है इसके साथ शासन स्तर से जुड़े कार्यों को भी किया जाना है, उसको लेकर हमें अवगत कराया गया है। सर, आज मुरादाबाद पहुंचे हैं, इस विषय को लेकर क्या? देखिए, ऐसा है कि हमसे पहले माननीय मंत्रीगणों का 3 या 8 ट्रिप हुआ। उस ट्रिप में डिफरेंट जनप्रतिनिधियों की तरफ से और पब्लिक की तरफ से जो समस्याएं उठाई गई उसको किस तरीके से निराकरण होगा उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं और हमने एक डिटेल समीक्षा की जिलाधिकारी जी के साथ में। उन्होंने समस्याएं जो समस्याएं जिला स्तर पर निस्तारण होनी है, जिनको शासन स्तर पर निस्तारण होना है, तो वो हम लोगों ने अलग अलग उनको कर लिया है और का निस्तारण कराया जाएगा। सर, विकास कार्य की बैठक ली है, क्या निर्देश दिए हैं विकास कार्य? कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं? देखिए, बहुत सारी तो डिमांड्स हैं। डिमांड्स हैं जैसे रामुंदा पे एक ब्रिज बनाने का भी डिमांड है और एक एलिवेटेड रोड बनाने की डिमांड थी। तो अभी ये समस्याएं ऐसी हैं, इनको तत्काल निराकरण नहीं हो सकता, उनका डिटेल एस्टीमेट बनेगा। एस्टीमेट बनने के बाद में ये सक्षम स्तर पे गवर्नमेंट लेवल पे एग्जामिन होगा, उसके बाद में इसमें कार्रवाई होगी। और जो सरकार की वरीयता है कि जैसे करप्शन पे 0 टॉलरेंस, 1-2 शिकायत थी अधिकारियों के बिहेवियर पर, तो उसमें कुछ कार्रवाई हुई भी है। नगर निगम के कोई अधिकारी थे तो उत्साहित कर अधिकारी, तो उनको यहाँ से इसीलिए शिफ्ट भी किया गया है, उनकी शिकायत थी। और जो माननीय मंत्रीगणों का समूह था उसमें जिला प्रशासन को यही आदेश थे कि पब्लिक ग्रेवेंस रेगुलेशन वो तत्परता से और काफ़ी सेंसिटिविटी से, संवेदनशीलता से किया जाए। उसमें जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ये कार्रवाई कर रहे हैं और महिलाएँ और बच्चों के प्रति जो अपराध हैं उसमें बहुत सेंसिटिव होने के लिए निर्देश दिए गए थे, उसमें भी जिला स्तर पे काफ़ी कार्रवाई हो रही है सेंसिटिविटी से। राज्य कर को लेकर के कोई राज्य कर की अभी चोरी पकड़ी गई थी, हाँ वो मेरे अभी संज्ञान में नहीं है, वो जिलाधिकारी जी उसके बारे में बात कर सकें। क्या इशू में इसके बाद में पूछ ले सकते, राज्य कर का है, कर चोरी मैं देखता हूँ क्या है, ठीक देखता हूँ। सच्चा मिश्रा।